गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर में आज हमारा है दूसरा दिन। अभी हम जा रहे हैं आमिर फोर्ट और हम जा रहे हैं रिक्शे से। ये भैया ने काफी सारा चीजें बताई हमें इसके बारे में और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए वो भी बताया, काफी जानकारी है इन्हें, तो अभी देखते हैं। रास्ता तो अभी काफी अच्छा लगा सीधे बाहर आते हुए। आज हम सुबह उठकर जा रहे हैं आमिर फोर्ट, और आमिर फोर्ट जाते वक्त रास्ते में हमें मिला जल महल। जल महल के बारे में आपको बता दूं, इसे राजा जयसिंह ने 1799 में बनाया था और इसे आईबॉल कहा जाता है, वाटर पैलेस भी कहा जाता है। राजा अपनी रानी के साथ यहाँ खास वक्त बिताने आया करते थे। ये 5 मंजिला है और 4 मंजिला पानी के अंदर है और 1 मंजिल पानी के ऊपर है, और ये जल महल बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। तो गाइस, अभी जो मेरे पीछे है ये है जल महल, और यहाँ पे अभी एंट्री तो बंद है। ऐसा बताया गया है कि कोविड के बाद से यहाँ पे जाना बंद हो गया है। इससे पहले क्या होता था कि अंदर आप जा सकते थे और वहाँ देख सकते थे बोर्ड के माध्यम से, बट अब वो सब बंद हो चुका है। अब आप सिर्फ यहाँ से ही देख सकते हैं। आपने जितना भी देखा बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। आपको शायद कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना कि आप यहाँ पे आके खड़े होकर देख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो है एक तरफ से इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उस वजह से इसकी जो खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर आती है और ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पीछे काफ़ी अच्छा एरिया है, इस वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी लग रही है। मज़ा आ रहा है इसको देख के वैसे। वो देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। जैसे ही आप आमिर फोर्ट पहुंचने वाले होंगे, यहाँ पर रास्ते में खड़े हुए बहुत सारे जीप वाले आपको रोकने की कोशिश करेंगे, और आप रुकेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए करीब 300-400 सीढ़ियाँ हैं जिसे आप नहीं चढ़ पाएंगे, और हमारे साथ जीप से चलिए जिसके वो लेते हैं 500 रुपये। पर यकीन मानिए, सीढ़ियाँ ज़्यादा तो हैं लेकिन इन्हें चढ़ने में बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होगी। आप आराम से रुक रुक के जाइए। मेरे साथ तो मेरी बेटी थी 5 साल की, लेकिन हम आराम से एंजॉय करते करते चले गए, और इससे आप जब चढ़ेंगे तब आपको बहुत एंजॉयमेंट होगा। लेकिन आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो जरूर आप जीप से जाइए। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे गाइड मिलेंगे। जैसे आपको रोड पे आना होगा, आपको रोड पे वो 500 रुपये बोलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 300-200 और लास्ट में जाके आपको 100 रुपये तक में वो मिल जाएंगे। गाइड लेने में हड़बड़ी मत करिए, आराम से जाइए। तो हमने यहाँ डिसाइड किया कि हम पैदल ही सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे, और क्योंकि हम यहाँ घूमने आए तो हम घूमते हुए जाएंगे और चीजों को और एंजॉय करेंगे। और जब हम शुरू में गए तो हमें लग रहा था कि शायद बहुत ज्यादा सीढ़ी होगी तो मेरी बेटी कहीं थक न जाए, लेकिन हम जब आगे गए तो हम तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए गए, क्योंकि वहाँ रास्तों पर सीढ़ियाँ तो बहुत ज्यादा है ठीक है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि आप चढ़ ना पाए। बहुत ही अच्छे से वहाँ पर बनाई गई है, और आराम से रेस्ट करते हुए जाइए। रास्ते में सीढ़ियों पर खाने पीने की काफी सारी चीजें मिलती है। उसके अलावा वहाँ पर एक मार्केट भी लगा है जिसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बट इसके अलावा आपको वहाँ पर हाथी भी मिलते हैं, आप हाथी के ऊपर बैठकर भी जा सकते हैं। तभी हम आ चुके हैं आमिर फोर्ट। आमिर फोर्ट चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नायरा थकी हुई है फिर भी हम चढ़ रहे हैं। नायरा चढ़ जाओगी बेटा? हाँ, सीढ़ी है आगे, आगे सीढ़ी है बहुत सारी। नायरा कह रही चढ़ तो जाएंगे, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से आमिर फोर्ट दिख रहा है, और उसके बाद ये जयगढ़ फोर्ट। तो अभी हम आमिर फोर्ट जाएंगे क्योंकि अभी तो नजदीक वही दिख रहा है। मैं भी ट्राई करेंगे चढ़ देंगे कि नहीं। चलो 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 चलो, देखते हैं। डॉगी डॉगी तुम भी चल रहे हो क्या? चलो 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 सबास। यहाँ रास्तों पर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं, वहाँ पर आप सामान ले सकते हैं और राजस्थानी कल्चर को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर लोग अपनी दुकानें लगाकर राजस्थानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गाना भी गा रहे हैं, और साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया खाने पीने की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी हर जगह पे। तो यहाँ पर आप जूतियाँ भी देख सकते हैं अलग अलग तरीके की, और उसके साथ ही यहाँ पर हाथों से बने हुए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मिल जाएंगी और वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप सीढ़ियों से आएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप थकी जाएंगे, एंजॉय करते हुए आइए। तो यहाँ रास्ते में नायरा को लग गई थोड़ी सी भूख, तो हमने लिए मीठे मीठे अमरूद ताजे ताजे। तो यहाँ पर खाते हुए एंजॉय करते हुए रुकते हुए बैठते हुए आगे जाने का मजा ही कुछ और आ रहा था। इसके अलावा अगर आप पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर व्यवस्था है, आप अपनी गाड़ी लेकर सीधा ऊपर तक आ सकते हैं।
और ये है आमिर फोर्ट का मेन एंट्रेंस। राजा यहाँ से ही एंटर करते थे हाथी पर बैठकर, आज भी हाथी यहाँ पर आया करते हैं। और जैसे ही आप यहाँ अंदर जाएंगे तो आपको ये एक बड़ा सा ग्राउंड दिखेगा। यहाँ पर कहते हैं कि परेड ग्राउंड होता था, जहाँ सैनिक परेड करते थे और राजा आगे बैठकर सलामी लिया करते थे। ये ग्राउंड बहुत ही बड़ा है, यहाँ तक आप फ्री में आ सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे अरावली की पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों के बीच में आपको चारों तरफ बाउंड्री मिलेगी जो कि 12 किलोमीटर। आमिर फोर्ट में यहाँ पर आप टिकट लेने के बाद इन सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं और बाकी का आमिर फोर्ट देख सकते हैं। आमिर फोर्ट की बात करें तो इसे राजा मान सिंह ने 1589 में बनवाना शुरू किया था, और बाद के राजाओं ने इसे कंटिन्यू रखा और 1727 में ये बनकर रेडी हुआ। आमिर फोर्ट का नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पर एक मीरा मंदिर भी है और साथ में काली मंदिर भी है। साथ ही आपको बता दें कि आमिर फोर्ट जयगढ़ फोर्ट के पास है और ये अंडरग्राउंड टनल के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो कि सुरंग है बीच में और 2 किलोमीटर की सुरंग है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर केसर उगाने की कोशिश की थी राजा ने, लेकिन वो उग नहीं पाया था क्योंकि केसर को ठंडी जगह चाहिए और वो यहाँ पर पूरी तरह से हो नहीं पाया था। यहाँ का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये आपने जोधा अकबर मूवी में जरूर देखा होगा। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं गणेश द्वार। यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। चलिए मैं इसका आपको पूरा लुक दिखाती हूँ इधर से। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं, इसे कहते हैं शीश महल। ये शीश महल ना कि सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर सबसे बड़ा शीश महल है। ये देखने में काफी अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा जगमगाता है। बताते हैं कि रात में यहाँ मसाले जलाई जाती थी जिससे इसकी खूबसूरती बहुत ही निखर कर आती थी। पहले यहाँ पर टूरिस्ट को अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन लोगों ने यहाँ पर कांच को निकालना शुरू किया जिससे कि इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। और अब यहाँ पर पूरी तरह से अंदर रिस्ट्रिक्शन है, अंदर आप नहीं जा सकते, बस यहाँ से बाहर से देख सकते हैं। तो गाइस, ये शीश महल है, ये दीवानी खास है, यहाँ पे रानी रहती थी, अपना वक्त बिताती थी। तो अभी तो यहाँ पे अंदर बंद है जाने के लिए, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड से, और काफ़ी अच्छा है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो नक्काशी काफ़ी सही लग रही है। चारों तरफ जहाँ भी आपको देखेंगे सब जगमगाता हुआ दिखाई देगा। नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है, शीश महल। बटरफ्लाई, बिच्छू, बिच्छू, तितली, और क्या दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है? फ्लावर, हाँ। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए एक पतला सा रास्ता है जहाँ पर मैं अभी नायरा को लेकर जा रहा हूँ, और ऊपर जाकर आप यहाँ से फुल नज़ारा ले सकते हैं। अरावली की पर्वत श्रृंखला बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, और नीचे आपका जो भी दीवाने आम दीवाने खास है वो भी दिखाई देता है। इसके साथ ही परेड ग्राउंड भी दिखाई देता है, तो सारे एरिया को आप अच्छे से देख सकते हैं। इस एरिया को कहते हैं दीवाने आम। राजा यहाँ पर बैठकर जनता दरबार लगाया करते थे और जनता की परेशानियां सुनते थे और बहुत सारा न्याय भी करते थे उन लोगों के साथ जिनके साथ भी कुछ भी गलत हुआ करता था। और यहाँ पर आपको कैफे, कॉफी डे, बाकी की जो चीजें हैं वो सब मिल जाएंगी। तो खाने पीने की यहाँ पर कोई भी चिंता ना करिए जब भी आप आए। ये कढ़ाई है बेटा, इतनी बड़ी कढ़ाई। इसमें बनाएंगे दाल, बनाएंगे सब्जी, बनाएंगे ये तो नटराज। बाबू ये देखो, हम लोग ऊपर थे, वहां थे हम लोग। आमिर फोर्ट के इस हिस्से में काफी सारी दुकानें लगती हैं, तो अगर आप घर के लिए कोई चीज लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप सीढ़ियों से चलकर आना पसंद नहीं करते और गाड़ी से भी आप आना पसंद नहीं करते हैं, तो आप यहाँ गजराज की सवारी कर सकते हैं और हाथी पर बैठकर एकदम राजा की तरह शाही अंदाज में यहाँ पर आ सकते हैं। आमिर फोर्ट के बाहर के इस हिस्से का नाम है दिलराम बाग। कहते हैं कि एक बार अकबर आए थे, उन्होंने इसे नाम दिया था दिलराम बाग। मजा आया, घूम लिया वहाँ पे? ओके, और क्या खाया क्या आपने? हाँ, पेटीज खाया। ओके,
सैंडविच और ब्रेड जैम खाया, पापड़ पापड़ भी खाया। अरे वाह, आपको सबसे पसंद कौन सा चीज आया? सबसे पापड़, सैंडविच, ब्रेड जैम। पेटीज पसंद नहीं आया? क्योंकि उसमें आलू थी, सब्जी थी। हाँ, सब्जी वाली चीज आपको पसंद नहीं आई? किसमें? सैंडविच में? हाँ, हाँ तो उसमें तो कुकुम्बर था, टमाटो था। चलो ठीक है, आपने घूम लिया, आपको घूम के कैसा लगा? ठीक है, लेकिन आप थक गए क्या? हाँ। बहुत ज्यादा कि थोड़ा? थोड़ा। और कहीं चलेंगे घूमने? हाँ। कहाँ पर? आपको नहीं पता? सो फाइनली हमने आमेर फोर्ट पूरा का पूरा घूम लिया है, हमें कई घंटे लग गए घूमते हुए और यहाँ पर हम पूरी तरह से थक चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने हमारे साथ एंजॉय किया है। वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।